तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या अंतर होता है। तो मैं इससे दो जुड़ी हुई स्पीच बताता हूँ। पहली स्पीच कि बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब है कि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी एक और स्पीच है कि मेहनत सफलता की कुंजी होती है, तो गधा जंगल का राजा होता है। फर्स्ट वाली स्पीच से बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। अगर आप पहली वाली स्पीच के हिसाब से चले, जो कि है बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती, तो दूसरी वाली स्पीच के हिसाब से आप गधे बन जाएंगे। क्योंकि दूसरी स्पीच का कहना है कि मेहनत सफलता की कुंजी होती तो गधा जंगल का राजा होता। और दूसरी स्पीच के हिसाब से चले तो इसमें आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि अगर सफलता में मेहनत ना होगी, अगर सफलता में मेहनत ना हुई तो आप कहीं पर भी नहीं हो, आप एक फेलियर बन के रह जाओगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस वीडियो के द्वारा मैं कुछ मैसेज देने की कोशिश करूँगा आपको, जिससे आप आपकी लाइफ में कुछ सही डिसीजन ले सकें। मैं आपको कुछ रियलिटी किस्से सुनाता हूँ, जैसे आपने सभी ने कभी ना कभी बस में तो सफ़र किया होगा, और कभी नहीं भी किया होगा तो भी बस के सब शेड्यूल को तो सब जानते होंगे कि उसमें एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है, एक खल्लासी होता है, एक चेकर होता है, और एक ओनर होता है जो कि बस का मालिक होता है। आपने कभी सोचा है कि एक बस को चलाने में इन सभी लोगों की जरूरत होती है? अब आप ही बताइए कि इस बस में सबसे ज्यादा कौन मेहनत कर रहा है? बस का ड्राइवर, बस का खल्लासी, या फिर बस का मालिक? अब किसी का जवाब होगा ड्राइवर, किसी का खल्लासी, किसी का कंडक्टर, लेकिन किसी का भी जवाब मालिक नहीं होगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं इसके परिणाम को कि इनमें से सबसे ज्यादा कौन कमाता है। शायद आप सोच रहे होंगे कि शायद कंडक्टर सबसे ज्यादा कमाता है, लेकिन कंडक्टर भी अगर ईमानदारी से कमाए तो मालिक से ज्यादा नहीं कमा सकता। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। आप सोचिए कि क्या आपने कभी किसी ड्राइवर को एक साथ दो या तीन गाड़ी चलाते देखा है? सोचिएगा इस बारे में कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एक ड्राइवर एक ही समय पर एक दो या तीन गाड़ियों पर एक साथ क्या गाड़ी को चला सकता है? या फिर किसी एक कंडक्टर को या खल्लासी को एक साथ उसी समय दूसरी बसों में भी कंडक्टरी या खल्लासी करते हुए आपने कभी देखा है? मेरे हिसाब से किसी का भी आंसर हाँ में नहीं होगा, क्योंकि यह पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक ही मालिक के दो, तीन, चार, 50 या 100 या 1000 गाड़ियां एक ही समय पर चलती है, और उन सभी गाड़ियों का मालिक सिर्फ एक ही होता है। दूसरी तरफ एक ड्राइवर, एक कंडक्टर या एक खल्लासी एक ही समय पर दूसरी गाड़ी में काम नहीं कर सकते। वह ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन के लिए एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में एज ए वर्कर पोस्ट हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है और उसका परिणाम उसको क्या मिल रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि बस का जो मालिक है उसके पास सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि उसकी बस कभी भी कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, और सबसे ज्यादा नुकसान मालिक को होगा। अगर वह ज्यादा कमाता भी है तो नुकसान भी सबसे ज्यादा उसको ही होगा, आपका सोचना यह होगा कि। लेकिन यहाँ पर भी आप गलत हैं, क्योंकि बस का जो मालिक है उसके पास सबसे कम रिस्क है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा तो रिस्क उस व्यक्ति को होगा जो उस बस में उस समय सफ़र कर रहा होगा जब वो बस दुर्घटना में ग्रसित हुई, क्योंकि हो सकता है कि उस दुर्घटना में वह अपना सब कुछ खो दे, हो सकता है उसकी लाइफ भी। दूसरी तरफ मालिक तो फिर से बस रिपेयर कर लेगा या नई बस खरीद लेगा, या फिर उसमें से कोई बच गया तो पुरानी कर्मचारी ही रख लेगा या फिर उनको कुछ मुआवजा दे देगा। मुझे पता है दोस्तों कि अब आप सोच रहे होंगे कि बस का जो मालिक है उसके पास तो पहले से ही काफ़ी सारी बसें थी और उसे जो कुछ मिला है उसे वो विरासत में मिला है, तो उसे तो कोई भी संभाल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको कुछ और ऐसे डीप लेवल में ले जाकर बताता हूँ इस वीडियो से कि आप इससे कहीं और आगे बढ़ सकें और लाइफ में आप वीडियो से कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए भी एक और डीप लेवल में बताता हूँ कि सपोज देन मान लीजिए आप कि उस मालिक का एक बेटा है, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि पहले भी उस मालिक को विरासत में वो सारी जायदाद मिली थी, उसी प्रकार उस मालिक का एक और बेटा है जो तब सारी जायदाद उस मालिक के बेटे को ही अब विरासत में मिलेगी, लेकिन उसके बेटे को इस बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब इस बात को आप पूरी ध्यान से सुनिएगा, उसके बेटे को उस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका तो इंटरेस्ट किसी गेम को खेलने में, हो सकता है क्रिकेट या कुछ भी हो, ये मैं आपको एक सुना रहा हूँ, और वह अच्छा भी खेलता है उस गेम में। अब उस लड़के के पिता के बाद अब सारा बिजनेस उसे ही चलाना है और आगे भी बढ़ाना है जैसे कि उसके पिताजी ने बढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि वह लड़का इस काबिल नहीं है, चलो मानो कि उस लड़के ने उस बिजनेस को संभाल लिया, उस बिजनेस को चलाते चलाते उसे 2 से 4 साल हो गए, उसकी लाइफ में सब कुछ था और है, धन दौलत शोहरत, लेकिन वो कुछ भी करता पर उस बिजनेस की ग्रोथ नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि उसका मन जो है वो उस बिजनेस में तो था नहीं, वो तो उस गेम में था जिसे वह खेलना चाहता था। तो इससे होगा क्या कि इसी फील्ड में जो और बिजनेसमैन हैं जो अपने मन से इस बिजनेस को ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं वह इससे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बिजनेस में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, इस वजह से मैनेजमेंट भी ठीक नहीं हो पाएगा और फिर धीरे धीरे नुकसान होने लगेगा, और हो सकता है कि एक समय ऐसा आ जाए कि उसे वह बिजनेस बंद करना पड़े। आपने भी तो कई बार ऐसे किस्से सुने होंगे, वह बिजनेस इतनी ग्रोथ पे कर रहा था लेकिन अचानक उसकी हालत डाउन हो चुकी है और वह अब रास्ते पर आ चुका है। अब उस लड़के की तरफ से देखें तो उस लड़के ने बिजनेस में वो खुशी कभी नहीं मिल पाई, उस लड़के को उस बिजनेस में वो खुशी कभी नहीं मिल पाई जो छोटे से गेम में उसे जीतने पर मिलती थी। वह उस गेम के लिए सुबह 5:30 खुद उठकर जाता था, सुनिएगा इस बात को एक बार और ढंग से, कि वह उस छोटे से गेम को सुबह 5:30 उठकर खुद जाता था, और जब तक कोई और जरूरी काम जैसे कि पढ़ाई और कुछ या कुछ और नहीं आ जाता तब तक वह उस गेम को खेलता ही रहता था, और वह उस गेम को खेलते खेलते कितना ही पसीने में क्यों ना भीग जाए
उसे जब भी समय मिलता वह खेलने चला जाता। अगर वह किसी मैच में हार जाए तो अगले मैच की तैयारी पूरी जोर शोर से करता था। जीतने के लिए वह नए नए आइडिया गेम प्लान सोचता था। इसके विपरीत इस बिजनेस में वह जब भी उठता यही सोचता कि आज भी ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, संभालना तो पड़ेगा। अब इसका मतलब यह है कि बिजनेस उसके लिए हार्ड वर्क है। अब इस बात को पूरी तरीके से समझेगा कि इस वीडियो का सार क्या है, कि उस लड़के के लिए यह बिजनेस एक हार्ड वर्क है। मैंने बताया ना, इसका टॉपिक वीडियो का यह है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है। अब इस लड़के को तो सारी जायदाद मिल चुकी थी, सारे धन दौलत ऐशो शहरत सब थी इसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी इस लड़के के लिए यह काम बहुत मुश्किल हो चुका था। इसका मतलब यह है कि यह जो बिजनेस है इस लड़के के लिए हार्ड वर्क है। हो सकता है यही बिजनेस किसी और के लिए स्मार्ट वर्क हो, लेकिन इस लड़के के लिए जिस मालिक का बेटा है इसके लिए यह हार्ड वर्क है। तो इस मैसेज को आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैंने क्या मैसेज देने की कोशिश की है, कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई काम जो वह लंबे समय से कर रहा है और उस काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं है और फिर भी वह उस काम को कर रहा है, तो वह उस व्यक्ति के लिए हार्ड वर्क है। तो फिर वही काम जो कोई और व्यक्ति कर रहा है और उस काम में उस व्यक्ति का मन भी है, तो वह उसके लिए स्मार्ट वर्क है। मुझे विश्वास है दोस्तों कि इस वीडियो से मैंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, जिससे आप अपनी लाइफ के जो डिसीजन है उनको लेने में आपको कुछ हद तक आसानी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो के कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइफ में इससे क्या प्रभाव पड़ा, या कोई और भी प्रश्न है जो आपके मन में चल रहा है कि आप उसे पूछना चाहते हैं लेकिन उसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की आप कोशिश कीजिएगा, ताकि आप जैसे और भी कई लोग जो इस वीडियो को देखकर अपनी लाइफ के सही डिसीजन लेने के लिए मदद मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।